प्रोबेबिलिटी इवेंट है, फॉर्मूला केस का देखिए, एम बाय एन या एन ए बाय एन एस, एम क्या है बताइए नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, और एन क्या है देखिए, एन एस क्या है देखिए टोटल इवेंट्स, ये पॉइंट्स लिखा रहेगा टोटल पॉसिबल इवेंट्स, ये पॉइंट्स समझ गए, एन क्या है ठीक है, एम क्या है टोटल इवेंट्स और एन क्या है देखिए टोटल पॉसिबल इवेंट्स, एम क्या है फेवरेबल इवेंट्स और एन क्या है टोटल इवेंट्स, टोटल पॉसिबल इवेंट्स। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर एक कॉइन टॉस कर रहे मान लीजिए आप, अगर वन कॉइन टॉस कर रहे हैं आप तो इवेंट क्या क्या पॉसिबल बताइए। सैंपल स्पेस मतलब क्या होता है देखिए, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल पॉइंट्स, तो क्या क्या हो सकता है बताइए, हेड हो सकता है एक, और क्या हो सकता है, टेल। इसको डिनोट कैसे करते हैं, एस से। सैंपल स्पेस में क्या होता है, ऑल पॉसिबल पॉइंट्स, तो अगर आप एक कॉइन टॉस करेंगे तो हेड आ सकता है, और क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, दो पॉइंट है यहाँ पे, तो हेड का प्रॉब्लम कितना बताइए, हेड आने का, तो इसमें कितना पॉइंट ऐसा जिसमें हेड है, वन है, और टोटल पॉइंट कितना है, टू है, तो कितना हो गया, वन बाय टू, समझ गए। और टेल आने का कितना आएगा बताइए, टेल आने का वन बाय टू, और टोटल कितना आएगा बताइए, टोटल टोटल हमेशा वन होगा, जितना पॉसिबल इवेंट है अगर आप सबका प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, टोटल वन आएगा ठीक है। तो देखिए एक बार वापस से, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का नाम है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है फॉर्मूला क्या है, एम बाय एन या एन ए बाय एन एस, एम मतलब क्या होगा बताइए नंबर ऑफ इवेंट्स टू फेवरेबल इवेंट्स, एम क्या होगा बताइए नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स या पॉइंट्स, और एन एस क्या होगा बताइए टोटल पॉइंट्स या टोटल इवेंट्स ठीक है। एग्जांपल जैसे एक कॉइन टॉस करेंगे अगर आप, तो सैंपल स्पेस मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स, तो हेड और टेल, तो हेड आने का कितना हो गया बताइए, कितना पॉइंट इसमें हेड आ रहा है, एक पॉइंट है, और टोटल पॉइंट नीचे आएगा तो वन बाई टू हो गया, और टेल आने का भी कितना हो गया, वन बाई टू, और जितना पॉसिबल इवेंट है अगर सबको ऐड करेंगे तो टोटल हमेशा कितना आएगा, वन आएगा टोटल हमेशा। हेलो प्रांजल भाई सर आपके पास, देखिए आप चेक करिए साउंड, अब आ रहा है देखिए, हेलो देखिए, एक कॉइन टॉस करेंगे आप तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, हेड आने का और टेल आने का, दो इवेंट है, तो हेड आने का कितना हो गया वन बाय टू, टोटल इवेंट टू है, तो नीचे क्या आएगा टोटल इवेंट, नीचे क्या आएगा टोटल इवेंट, और ऊपर कितना आएगा बताइए फिर, फेवरेबल इवेंट ठीक है। इसके बाद देखिए हेलो सबके पास साउंड आ रहा है, सबके पास
इसके बाद देखिए देखिए अगर एक कॉइन टॉस करेंगे आप तो हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, दो पॉइंट है ठीक है। तो फेवरेबल पॉइंट कितना हो गया, टू पॉइंट हो गया फेवरेबल। इसके बाद देखिए अगर दो कॉइन टॉस करेंगे तब क्या होगा, देखिए अगर दो कॉइन टॉस करेंगे तो क्या पॉसिबल इवेंट है बताइए। दो कॉइन टॉस करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, हेड हेड हो सकता है, पहले में हेड दूसरे में हेड, हेड टेल हो सकता है, पहले में हेड दूसरे में टेल, टेल हेड हो सकता है, पहले में टेल दूसरे में हेड, और टेल टेल हो सकता है ठीक है ना। अगर आप दो कॉइन टॉस करेंगे तो क्या क्या इवेंट पॉसिबल बताइए, हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है और टेल टेल हो सकता है, चार पॉइंट है टोटल ठीक है। तो दो हेड का कितना हो जाएगा बताइए, कितना है जिसमें दोनों हेड है, वन बाय फोर, दो हेड का कितना हो जाएगा वन बाय फोर, वन हेड का कितना हो जाएगा बताइए, वन हेड मतलब वन हेड वन टेल, एग्जैक्ट वन हेड इसमें है और टू बाय फोर, और जीरो हेड का कितना हो जाएगा बताइए, टू टेल, और टोटल करेंगे कितना आएगा, वन आएगा। ऑल पॉसिबल इवेंट का अगर प्रॉबर्टी ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, वन आएगा हमेशा ठीक है। ठीक है यहाँ तक बोलिए, अगर दोनों जितना पॉसिबल इवेंट है सबको ऐड करेंगे तो हमेशा वन आएगा। तीन कॉइन का आप लोग निकाले, थ्री कॉइन का, जैसे वन कॉइन का हो गया, टू कॉइन का हो गया, तो सैंपल स्पेस बताइए थ्री कॉइन का। थ्री कॉइन का सैंपल स्पेस ड्रॉ करिए आप लोग, टू मिनट्स में मार रहे हैं, हाँ दो मिनट का ब्रेक दे रहे हैं आपको, आप सैंपल स्पेस ड्रॉ करिए थ्री कॉइन का।
हेलो बोलिए, सैंपल स्पेस क्या होगा? 3.9 का टॉस करेंगे आप तो? बोलिए, हेड हेड हेड। पहले आप दो कौन का बताइए, दो कौन का कितना होता है हेड हेड? ठीक है, दो कौन का हेड हेड? हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब उसमें सब में हेड लगा दीजिए एक बार, फिर वैसे ही फिर से बनेंगे। वैसे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, सब में टेल लगा दीजिए, बस हो गया। टोटल कितना करेंगे? नंबर ऑफ कॉइंस समझिए, टोटल कैसे आएगा? टू द पावर नंबर ऑफ कॉइन्स। कितना कॉइन? 3 कॉइन है तो 2 क्यूब हो गया। पावर टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, बोले को डाउट यहाँ तक? इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए, तो अगर 3 हेड चाहिए आपको, तीनों हेड, तीनों हेड चाहिए तो कितना है बताइए? कितना पॉइंट ऐसा है जिसमें तीनों हेड है? एक पॉइंट ऐसा है जिसमें तीनों हेड है, तो 1/8। एक पॉइंट ऐसा है जिसमें तीनों हेड है। पहले आप दो कौन का बनाइए, हेड हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड, टेल टेल। फिर एक बार सब में हेड लगा दीजिए, फिर वापस से बनाइए, और एक बार सब में क्या लगा दीजिए? टेल लगा दीजिए बस। ठीक है, बोले। ओके, हुआ प्रांजल आपका। इसके बाद देखिए, अगर एक कॉइन में 3 हेड का कितना हो गया? 1 पॉइंट हो गया। टोटल पॉइंट कितना है? 8 है, तो 1/8 हो गया। ठीक है, और अगर आपको 2 हेड चाहिए, 2 हेड मतलब एग्जैक्ट 2 हेड, तो 2 हेड कितना पॉइंट में आ रहा है बताइए? यहाँ 2 हेड है, यहाँ 2 हेड है, कितना पॉइंट है बताइए जिसे 2 हेड आ रहा है? कितना पॉइंट ऐसा है जिसमें 2 हेड आ रहा है बताइए? 3 पॉइंट है जिसमें 2 हेड आ रहा है, एग्जैक्ट 2 हेड। 2 हेड मतलब एग्जैक्ट 2 हेड। ठीक है, 3 पॉइंट है तो कितना हो गया यहाँ पे? 3/8। उसके 1 हेड में कितना आएगा बताइए? 3/8। और 0 हेड में कितना आएगा बताइए? 2 हो गया। ठीक है, तो अब बताइए एग्जेक्टिव 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? मिनिमम 1 हेड। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है बताइए? मिनिमम 1 हेड कितना में आ रहा है बताइए? 1 हेड मतलब कौन कौन सा पॉइंट आएगा? ये तीनों पॉइंट आएगा। मतलब 1 हेड हो सकता है, 2 हेड हो सकता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड। सेवन बाई एट। ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड। तो 1 हेड का कितना होगा? 3/8। 2 हेड का कितना होगा? 3/8। 3 हेड का कितना हो गया? 1/8। तो सब मिला के कितना टोटल? 7/8। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप।
वन माइनस जीरो हेड, जीरो हेड का कितना होता है 1/8, 1/8 माइनस कर दीजिए तो कितना आया बताइए, 7/8। इस तरह से कर सकते हैं आप, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद देखिए एटमोस्ट वन हेड मतलब क्या होता है बताइए, एटमोस्ट में क्या होता है मैक्सिमम वन हेड, ठीक है एटमोस्ट में क्या होगा बताइए, मैक्सिमम वन हेड, जीरो हेड, मतलब मैक्सिमम वन हेड, मतलब जीरो हेड और वन हेड बस, वन से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो जीरो हेड का कितना मतलब बताइए, बस कॉइन में कोई डाउट बताइए, कॉइन में मैक्सिमम 3 कॉइन तक आ सकता है बस। एक कॉइन में कितना होता है 2 पॉइंट होता है हेड टेल, 2 में कितना होता है 2 स्क्वायर 4 हो गया, 3 में कितना हो गया 2 क्यूब 8 हो गया, 4 कॉइन में बहुत ज़्यादा हो जाएगा 2 पर पावर 4 16 हो जाएगा, तो 4 कॉइन एग्जाम में नहीं आएगा। मैक्सिमम कितना कॉइन आएगा, मैक्सिमम कितना कॉइन आएगा 3 कॉइन आएगा मैक्सिमम, ठीक है। तो वन पॉइंट समझ आया, पहले बताइए वन पॉइंट में क्या होगा, हेड और टेल आएगा बस, 2 पॉइंट आएगा, तो हेड का कितना हो गया 1/2, टेल का कितना हो गया 1/2, टोटल कितना हो गया 1, 2 पॉइंट में कितना आएगा देखिए 4 पॉइंट आएगा, हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल, ठीक है। उसके बाद हो गया तो 4 पॉइंट, 2 पॉइंट में कितना आएगा बताइए, 4 पॉइंट आएगा, हेड टेल, टेल हेड टेल टेल, टेल हेड टेल टेल, हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल, 4 पॉइंट आ रहे हैं। 2 हेड का कितना हो गया 1/4, 1 हेड का कितना हो गया 2/4, 0 हेड का कितना हो गया 1/4, टोटल हमेशा 1 आएगा जितना पॉसिबल इवेंट है। 3 पॉइंट में कितना हो गया बताइए, 8 हो गया टोटल, ठीक है। इसके बाद देखिए 3 कॉइन का 3 हेड, 2 हेड, 1 हेड, 0 हेड, ठीक है। इसके बाद देखिए 넥스트 ऑल हेड का, उसके बाद देखिए कॉइन्स में हो गया कंप्लीट, बस कॉइन्स में मैक्सिमम कितना कौन आएगा, 3 कौन आएगा, अगर एक कॉइन टॉस कर रहे हैं मान लीजिए, अगर एक कॉइन टॉस करें तो क्या क्या हो सकता है बताइए, हेड है एक कॉइन टॉस, एक डाइस अगर थ्रो करेंगे तो क्या क्या आ सकता है पॉइंट बताइए, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। डाइस मतलब क्या हो गया, जो आप लूडो खेलते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा बताइए, 1 आने का 1/6, 2 आने का बताइए कितना होगा, 2 आने का कितना होगा बताइए, एक डाइस थ्रो करेंगे तो पॉइंट क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 आने का 1/6, 2 आने का, 3 आने का, 4 आने का, 5 आने का, 6 आने का, कितना होगा, सबका इक्वल होगा, हर एक का कितना होगा 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, टोटल कितना आएगा बताइए, टोटल 1, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर 2 डाइस थ्रो करेंगे तो क्या होगा बताइए, अगर 2 डाइस थ्रो करेंगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6,
इस तरह से 2-1 से लेके 2-1 2-2 2-6 तक, 3-1 से लेके कहाँ तक 3-6 तक, 4-1 से लेके 4-6, 5-1 से लेके 6-6 तक, ठीक है। डाइस का समझ लिया, 1-1 से लेके 1-6, 2-1 से 2-6, 3-1 से 3-6, 4-1 से 4-6, 5-1 से 5-6, 6-1 से 6-6, ठीक है। एक डाइस में क्या है, सबका प्रोबेबिलिटी इक्वल होगा, हर एक का प्रोबेबिलिटी 1/6। और दो डाइस में क्या होगा, देखिए पहले पॉइंट कितना है, टोटल बताइए टोटल पॉइंट्स कितना हो गया, 1-1 से लेके 1-6, 2-1 से 2-6, 3-1 से 3-6, 4-1 से 4-6, 5-1 से 5-6, 6-1 से 6-6, टोटल पॉइंट कितना हो जाएगा बताइए। अगर दोनों को ऐड करेंगे आप तो अगर दोनों डाइस को ऐड करेंगे तो 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अगर दोनों डाइस को ऐड करेंगे तो मिनिमम सम कितना आएगा, 1-1 मतलब 1+1 कितना होगा 2, और मैक्सिमम कितना आएगा 6+6 कितना होगा 12, ठीक है, समझ गए। उसके बाद सबको ऐड करेंगे हम लोग तो 2 आएगा मिनिमम, 1+1 2 आ रहा है, मैक्सिमम कितना आ रहा है 6+6 12 आ रहा है, तो पॉइंट कितना आएगा देखिए, फेवरेबल पॉइंट तो इसमें कितना आएगा, 1-1 आएगा, एक पॉइंट आ रहा है बस, 1/36। और 3 में कितना होगा देखिए, एक हो गया 2-1, एक हो गया 1-1, 2/36, 1-2, एक हो गया 1-2 और एक क्या हो गया 2-1, ठीक है। 3-4 में कितना आएगा बताइए, एक हो गया 1-3, अब एक बढ़ाते जाइए फर्स्ट डाइस में, सेकंड डाइस में कम करते जाइए, 2-2, 3-1, एक डाइस में 1 ऐड करते जाइए, दूसरे डाइस में 1 कम करते जाइए, इसका जैसे फर्स्ट क्या हो गया 1-4, अब एक ऐड करिए फर्स्ट डाइस में, 1 ऐड करिए फर्स्ट डाइस में तो 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 3, तो फर्स्ट डाइस में 1 ऐड करिए, सेकंड में 1 कम लेस करिए, फिर एक ऐड करिए, फिर एक ऐड करिए, एक लेस करिए, समझ गए। इस तरह से करिए 12 तक आप लोग, चलिए 12 तक करिए आप लोग, 12 तक पूरा लास्ट तक करिए, ठीक है, स्टार्ट करिए, ट्राई करिए। हेलो, नहीं, थैंक यू, हेलो।
वैसे करिए, सिक्स का करिए आप लोग। पहला क्या हो गया 1 5, अब एक ऐड करिए 2 4 3 3 4 2 5 1। ठीक है, 7 का बताइए 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। 8 क्या करिए, अगर दो डाइस थ्रो करेंगे तो मिनिमम कितना आएगा, 2 आएगा सम, इसमें डाउट है पहले बताइए। 1 1, अगर दो टाइम शो करेंगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरह से 2 1 2 2, लास्ट कहाँ तक आएगा, 6 6 तक आएगा। ऐड करेंगे तो मिनिमम कितना आएगा, 1 प्लस 1 2 आएगा, मैक्सिमम कितना आएगा, 6 प्लस 6 12 आएगा। यहाँ तक ठीक है, तो टोटल पॉइंट कितना हो गया, टोटल पॉइंट 6 स्क्वायर, 8 डाइस पे 6 होता था, दो डाइस में कितना हो गया 36, 2 आने का कितना आ जाएगा, हेलो गेट बंद करो, 2 आने का कितना आ जाएगा, 1 1 थोड़ा सा, ठीक है, एक ही पॉइंट ऐसा जिसमें 2 आ रहा है, 1 1, तो 1 में 36 हो गया। और 3 आने का कितना हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 1 2 हो गया, 2 1 हो गया, तो 2 बाय 36 हो गया। 4 आने का कितना हो गया, 3 पॉइंट हो गया, 5 आने का कितना हो गया, 4 पॉइंट हो गया। तो 2 आने में एक ही पॉइंट है, 1 1, 3 आने में एक 1 2 हो गया, एक 2 1 हो गया, 4 आने में कितना हो गया, 1 3 हो गया। एक कम करिए, एक ऐड करिए फर्स्ट डाइस में, और सेकंड डाइस पे एक माइनस करिए, 2 2 3 1। 4 आने का कितना हो गया बताइए, 1 4 हो गया पहला, फिर कितना हो गया बताइए, 2 3 हो गया। एक ऐड करते जाइए फर्स्ट डाइस में, सेकंड डाइस पे एक माइनस करते जाइए, फिर 3 2 हो गया, 4 1 हो गया, इसका देखिए 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1। 7 का बताइए, वैसे ही 8 का बताइए आप लोग। आया सबने, संचिता सिमरन प्रांजल, सिमरन इप्सिता प्रांजल भाविया संजीता मृगांका आलम कमलेश एकेडमी। आप लोग क्लासेस एब्सेंट मत करिएगा, ठीक है, इस चैप्टर का एक भी क्लास नहीं, तो अगर फर्स्ट क्लास करेंगे फिर सेकंड क्लास नहीं करेंगे तो थर्ड क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा। 8 का बताइए कितना होगा, फर्स्ट क्या होगा, 8 का फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, 8 का बताइए फर्स्ट पॉइंट, 2 6 होगा, 1 7 मत लिख दीजिएगा, 1 7 मत लिख दीजिएगा, समझ गए, 7 नहीं होता डाइस में, हाईएस्ट कितना होता है डाइस में, 6 होता है डाइस में हाईएस्ट। तो 8 का कितना हो गया, 2 6, फिर एक कम करते जाइए, एक बढ़ाते जाइए, 3 5 4 4 5 3 6 2, समझ गए, 7 तो 5 बाय 36 होगा 8 का। 9 का निकाल लिए, 3 6 4 5 5 4 6 3। 10 का बताइए, 4 6 5 5 6 4। 11 का बताइए, 5 6 6 5। 12 का बताइए, 6 6। टोटल ऐड करिए, टोटल कितना आएगा, हमें सब बनाएगा, ठीक है, बोलिए तो डाउट है। वन से टू से लेके 7 तक बढ़ता जाएगा और नीचे से ऊपर वैसे ही। 2 का कितना है बताइए, 1 बाय 36। 3 का कितना है, 2 बाय 36। 4 का कितना है, 3 बाय 36। 5 का कितना है, 4 बाय 36। 6 का कितना है, 5 बाय 36। 7 का कितना है, 6 बाय 36। तो 7 तक आपको आराम से याद हो जाएगा। 7 तक क्या करना है आपको, देखिए 7 तक क्या करिएगा, खाली 1 माइनस कर दीजिए, जैसे 2 में 1 माइनस करिए,
थ्री में वन माइनस करिए, फोर में वन माइनस करिए, फाइव में वन माइनस करिए, सिक्स में वन माइनस करिए, सेवन में वन माइनस करिए, ठीक है। सेवन तक क्या करना है आपको, वन माइनस करना है बस। सेवन तक समझ में आया, पहले बताइए सेवन तक क्या करना है आपको, वन माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेवन के बाद एट से लेकर थर्टीन तक, थर्टीन से एट माइनस कर दीजिए फाइव बाई थर्टी सिक्स, थर्टीन से नाइन माइनस कर दीजिए फोर बाई थर्टी सिक्स, थर्टीन से टेन माइनस कर दीजिए थ्री बाई थर्टी सिक्स, मतलब सेवन तक क्या करिए वन माइनस कर दीजिए, और एट के बाद क्या करिए कितना ऐड करने से थर्टीन आएगा, एट में, एट में कितना ऐड करने से थर्टीन आएगा, थर्टीन फाइव ऐड करने से, नाइन में कितना ऐड करने से थर्टीन आएगा, फोर ऐड करने से, टेन में कितना ऐड करने से थर्टीन आएगा, थ्री ऐड करने से, इलेवन में कितना ऐड करने से थर्टीन आएगा, टू ऐड करने से, ट्वेल्व में कितना ऐड करने से थर्टीन आएगा, वन ऐड करने से। तो आपको शॉर्टकट बताइए, नहीं तो आप पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट ड्रॉ करके कर सकते हैं, बस पॉइंट ड्रॉ करके करेंगे तो पॉइंट ड्रॉ करके कर सकते हैं आप, ठीक है। अब जैसे जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कैसा आएगा, सम मल्टीपल ऑफ थ्री, मल्टीपल ऑफ थ्री मतलब क्या हो गया बताइए, सम कितना कितना हो सकता है, थ्री हो सकता है, सिक्स हो सकता है, नाइन हो सकता है, सम मल्टीपल ऑफ थ्री मतलब समझ गया, वो थ्री हो सकता है सम, सिक्स हो सकता है सम, नाइन हो सकता है, और थ्री का कितना हो जाएगा बताइए, थ्री का, ये तो आप टेबल बना के कर लीजिए, आपको थ्री का पॉइंट निकाल लीजिए, थ्री का कितना पॉइंट होगा देखिए, टू पॉइंट आएगा, सिक्स में कितना आएगा फाइव आएगा, और नाइन में कितना आएगा बताइए, फोर बाई थर्टी सिक्स, ट्वेल्व में कितना आएगा वन बाई थर्टी सिक्स, तो टू और फाइव कितना हो गया सेवन, और एक एट चार ट्वेल्व बाई थर्टी सिक्स कितना हो गया बताइए फिर, वन बाई थ्री, ठीक है। तो थ्री का कितना आएगा, टू बाई थर्टी सिक्स, अगर आप टेबल बना के करेंगे टेबल बना के कर लीजिए, आपको जिसका जिसका चाहिए पॉइंट निकाल के कर लीजिए, थ्री का पॉइंट क्या हो गया वन टू टू वन, सिक्स का कितना हो गया पांच पॉइंट हो गया, नाइन का कितना हो गया चार पॉइंट हो गया, ट्वेल्व का कितना हो गया वन पॉइंट हो गया, पॉइंट निकाल के कर सकते हैं आप, और पॉइंट नहीं निकालना है तो सेवन से माइनस थ्री है तो वन माइनस कर दीजिए, सिक्स है तो वन माइनस कर दीजिए, नाइन है तो थर्टीन से नाइन माइनस करिए, सेवन तक सिंपल है वन माइनस कर दीजिए, और एट के बाद क्या करिए जितना भी है उसमें कितना ऐड करने से थर्टीन आएगा, कितना ऐड करने से थर्टीन आएगा खाली वो देख लीजिए बस, ठीक है। हो गया आपका, इसके बाद देखिए ठीक है तक मल्टीपल थ्री, इसके बाद देखिए मल्टीपल फोर, इसका क्या हो जाएगा देखिए, मल्टीपल फोर में सम कितना आएगा, फोर आ सकता है, एट आ सकता है, और ट्वेल्व आ सकता है, ठीक है। तो फोर का कितना आएगा बताइए, बोलिए फोर का कितना आएगा, थ्री बाई थर्टी सिक्स, वन माइनस कर दीजिए बस, और एट में कितना आएगा, थर्टीन आएगा फाइव ऐड करने से, ट्वेल्व में वन ऐड करने से, तो थ्री और फाइव कितना हो गया, एट और वन नाइन बाई थर्टी सिक्स,
ठीक है. सो दिस सम अगर नाइन और मोर चाहिए तब कितना हो जाएगा बताइए. नाइन और मोर को मतलब सम क्या क्या हो सकता है बताइए. नाइन हो सकता है, टेन हो सकता है, इलेवन हो सकता है और ट्वेल्व हो सकता है और बस ट्वेल्व. नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व. नाइन का कितना हो जाएगा बताइए. सम नाइन और मोर चाहिए. सम क्या चाहिए. नाइन और मोर मतलब नाइन का हो सकता है या सम टेन हो सकता है, इलेवन हो सकता है, ट्वेल्व हो सकता है. मल्टीपल ऑफ फोर क्या होगी बताइए. फोर का मल्टीपल तो सम कितना हो सकता है. फोर हो सकता है, एट हो सकता है, ट्वेल्व हो सकता है. तो फोर का कितना हो जाएगा प्रॉब्लम बताइए. फोर आने का थ्री बाई थर्टी सिक्स. यहाँ टेबल आप बनाए तो टेबल से कर सकते हैं आप. फोर आने का कितना आ रहा है थ्री बाई थर्टी सिक्स. एट आने का कितना आ रहा है फाइव बाई थर्टी सिक्स. ट्वेल्व आने कितना आ रहा है वन बाई थर्टी सिक्स. पॉइंट निकाल के काउंट कर लीजिए. वैसे कर सकते हैं आप. नहीं तो आपको शॉर्टकट बताए थे कि फोर में सेवन तक क्या करना है. वन माइनस कर दीजिए तो फोर में कितना आएगा थ्री बाई थर्टी सिक्स. और सेवन के बाद क्या करना है. थर्टीन जैसे एट है तो थर्टीन से एट माइनस करिए. कितना ऐड करने से थर्टीन आएगा. फाइव ऐड करने से. वैसे कर सकते हैं शॉर्टकट है ये. नहीं तो पॉइंट निकाल कर सकते हैं. अब जैसे नाइन है तो नाइन कितना में आएगा बताइए. कितना ऐड करने से नाइन. नाइन में कितना ऐड करने से थर्टीन होगा. नाइन में कितना ऐड करने से थर्टीन आएगा. फोर ऐड करने से तो कितना हो जाएगा इसका बताइए. फोर बाई थर्टी सिक्स. टेन का कितना हो गया थ्री बाई थर्टी सिक्स. इलेवन कितना हो गया टू बाई थर्टी सिक्स. ट्वेल्व कितना हो गया वन बाई थर्टी सिक्स. तो सबको ऐड कर दीजिए. फोर और थ्री सेवन नाइन टेन बाई थर्टी सिक्स मतलब फाइव बाई एटीन. समझ गए. कोई डाउट इसमें. आया समझे सिमरन बजाज. अगर आपको सम चाहिए एट और मोर तब कैसे करेंगे बताइए. तो एट का कितना हो गया बताइए. एट हो सकता है, नाइन हो सकता है, टेन हो सकता है, इलेवन हो सकता है और ट्वेल्व. तो एट का कितना हो गया बताइए प्रोबेबिलिटी. सबको ऐड कर लीजिए. उसके बाद करिए आप लोग. कितना रहा बताइए. तो एट का कितना होगा बताइए. बोले कितना ऐड करने से आएगा थर्टीन. फाइव ऐड करने से फाइव बाई थर्टी सिक्स. फोर बाई थर्टी सिक्स. थ्री बाई थर्टी सिक्स. टू बाई थर्टी सिक्स. वन बाई थर्टी सिक्स. सब ऐड करने के बाद फाइव फोर नाइन और थ्री ट्वेल्व. फाइव बाई फोर नाइन और थ्री ट्वेल्व. ट्वेल्व और टू फोर्टीन वन फिफ्टीन बाई थर्टी सिक्स. थ्री से डिवाइड कर दीजिए फाइव बाई ट्वेल्व. समझ गए डाइस का. बोले तो डाइस का जितना भी सम बन जाएगा सब वन बाय थ्री इसका आंसर आ रहा है आपको. हो गया यहां तक. बोलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट कार्ड्स का. तो डाइस में मैक्सिमम कितना आएगा. टू डाइस आएगा बस. थ्री डाइस बहुत ज्यादा हो जाएगा. अगर एक डाइस में सिक्स पॉइंट होता है दो डाइस में कितना होता है थर्टी सिक्स. सिक्स स्क्वायर. तीन डाइस में सिक्स क्यूब हो जाएगा. तो डाइस में मैक्सिमम दो डाइस आएगा. कॉइन में मैक्सिमम तीन कॉइन आएगा. डाइस में मैक्सिमम दो डाइस आएगा. उसके बाद देखिए कार्ड्स में क्या होगा. देखिए
टोटल कार्ड्स कितना होता है बताइए, प्लेइंग कार्ड्स खेले हैं आप लोग कभी? टोटल कार्ड्स कितना होता है बताइए, 52। इसमें क्या क्या होता है देखिए, स्पेड, क्लब, ऐसे एग्जाम में स्पेड पूछता है आपसे, डायमंड, हार्ट्स, सब कितना कितना होता है, 13 13 होता है, स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट्स, सब कितना कितना होता है बताइए, 13 13, ठीक है ना। स्पेड मतलब क्या होता है, काला पान, क्लब क्या होता है, चिड़िया, डायमंड क्या होता है, ईंट, हार्ट्स क्या होता है, लाल पान, इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और हर एक में क्या होता है, एक का होता है, एक इसका ए किंग होता है, एक ठीक है, चार किंग, चार क्वीन, चार ए, चार जे, जे मतलब क्या हो गया, गुलाम, सिमरन बजाज। आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी यहाँ पे तो क्लियर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं आप, ठीक है। हेलो, सिमरन बजाज आया नेटवर्क, देखिए यहाँ तो क्लियर आ रहे हैं। इसके बाद देखिए तो एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं आप, ठीक है। तो कार्ड टोटल कितना होता है, 52, स्पेड, क्लब, डायमंड, हर्ट्स, किंग, क्वीन, एस, जे, ठीक है। एक कार्ड ड्रॉ करेंगे तो स्पीड आने कितना बताइए, स्पीड आने का थर्टीन में 52, स्पीड आने कितना बताइए, 13/52, और किंग आने कितना बताइए, 4/52, ठीक है। स्पीड आने कितना 3/52, किंग आने कितना आगे बताइए, 4/52, ठीक है। किंग कितना 4 किंग है यहाँ तो, ठीक है। अब स्पेड और किंग, यूनियन में साइन है ये, आधे स्पेड और किंग, स्पेड और किंग को मिलाइए तो कितना कार्ड होगा टोटल बताइए। अगर आप स्पेड और किंग को ऐड करेंगे तो टोटल कार्ड कितना होगा बताइए आपका, बोलिए। स्पेड आपके पास 13 है, किंग आपके पास 4 है, तो अगर दोनों कार्ड को ड्रॉ करिए टोटल कार्ड कितना होगा आपके पास, बोलो। हेलो, बोलिए भाविया, 13 होगा या 17 या स्पेड कितना बताइए पहले आपके पास। स्पेड और किंग ऐड करेंगे, एक कार्ड ऐसा जो दोनों में कॉमन है, एक कार्ड ऐसा दोनों में कॉमन है,
स्पेड और किंग, ये साइन इसका एंड का साइन है, ये इंटरसेक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग। तो स्पेड कितना बताइए टोटल 13/52 और किंग कितना बताइए 4/52। एक कार्ड दोनों में कॉमन है, एक कार्ड दोनों में, तो स्पेड में भी किंग में भी। तो अगर आप दोनों को ड्रॉ करेंगे घर में ट्राई करिएगा आप, तो टोटल कार्ड कितना होगा आपका 16 कार्ड होगा, 17 कार्ड नहीं होगा। समझे सिमरन संचिता, सिमरन ध्यान दीजिए, सेवन स्पेड 13 है, किंग 4 है, लेकिन अगर दोनों को मिलाएंगे तो एक कार्ड ऐसा है जो स्पेड में भी है, किंग एक किंग स्पेड में भी है, तो और कितना किंग बचेगा आपके पास, 3 किंग और बचेगा आपके पास। तो टोटल कार्ड कितना हो जाएगा 16/52। तो एक कार्ड कॉमन है इंटरसेक्शन, ये साइन किसका है बताइए, इंटरसेक्शन का साइन है, ये साइन किसका बताइए, इंटरसेक्शन का, ठीक है, जो कॉमन कार्ड है वो माइनस हो जाएगा। इसका बताइए कितना होगा, आइदर किंग और क्वीन, बोलिए आइदर किंग और क्वीन का कितना आएगा, किंग और क्वीन को मिलेगी। तो प्रॉपर्टी ऑफ किंग यूनियन क्वीन, ठीक है, तो किंग का प्रॉपर्टी कितना बताइए पहले, और क्वीन का प्रॉपर्टी कितना है, और कॉमन कुछ नहीं है इसमें, किंग और क्वीन में कोई कॉमन कार्ड होता है बताइए, किंग हो गया 4/52, कॉमन कुछ नहीं होता है, तो कितना हो जाएगा बताइए 8/52। ठीक है, समझ यहां तक बोलिए, किंग और क्वीन में कोई कॉमन कार्ड नहीं होता है, किंग और क्वीन में कोई कॉमन कार्ड, इसलिए माइनस नहीं होगा कुछ भी, ठीक है, और किंग और स्पेड में कॉमन कार्ड होता है इसलिए माइनस हो रहा है यहाँ पे, और किंग और क्वीन में कुछ कॉमन कार्ड नहीं हो रहा है इसलिए माइनस नहीं हो रहा है, समझ गया तो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, टोटल कार्ड्स कितना होता बताइए 52 हो गया ना। अब इसको देखिए लिए थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, देखिए इफ हाँ कार्ड्स में बस एक ही कार्ड आएगा, कार्ड्स में और नहीं आएगा, मतलब कॉइन्स में जैसे कितना था 3 कॉइन था, डाइस में कितना था 2 डाइस था, कार्ड्स में एक ही कार्ड्स आएगा, क्योंकि 2 कार्ड्स बहुत ज्यादा हो जाएगा उसमें, फिर समझ गए ना, कार्ड्स में इतना ही है जितना भी आपको बताया, स्पेड और किंग आ सकता है और एक आ सकता है किंग और क्वीन, बस दो क्वेश्चन है, स्पेड और किंग और क्वीन, समझ गए, दो टाइप को समझ में, ठीक है। इसके बाद देखिए अब थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो लिखिए पहला केस क्या है, देखिए केस 1, इफ ए एंड बी, बी टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव,
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है बताइए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? इवेंट्स विच इवेंट्स कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, नहीं आएगा जो इवेंट साथ में नहीं आएगा, ठीक है? जैसे एग्जांपल इसका बताइए, किंग और क्वीन, अगर एक कार्ड आप एक कार्ड अगर ड्रॉ करेंगे, किंग और क्वीन दोनों साथ में आ सकता है, बोलिए नहीं आ सकता है? तो इस केस में क्या होगा? एंडस में कितना होगा? जीरो होगा, कॉमन नहीं होगा कुछ भी। अगर दो दो इवेंट है, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इंटरसेक्शन कुछ नहीं आएगा दोनों में, तो इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा? जीरो। जैसा अभी आप लोग नहीं कहते किंग और क्वीन में कुछ कॉमन था, बोलिए नहीं था? हेड और टेल, किंग और क्वीन, तो पी ए प्लस पी एन एन भी कितना आ जाएगा बताइए? फिर पी ए प्लस पी बी, पी एन एन भी कितना आ जाएगा बताइए? पी ए प्लस पी बी, ठीक है? अगर ए और बी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, जो इवेंट साथ में होकर नहीं हो सकता है, तो अगर टोटल करेंगे तो हमेशा कितना आएगा? इंटरसेक्शन हमेशा जीरो आएगा, और यूनियन क्या होगा? दोनों ऐड कर दीजिए, बस हो गया, ठीक है? क्योंकि माइनस तो जीरो, माइनस कुछ नहीं होगा इसमें। उसके बाद देखिए केस बी, इफ ए एंड बी अगर ए और बी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? कि ऑल सेट अप ऑल पॉसिबल इवेंट, इस एग्जांपल इसका हेड एंड टेल, ठीक है? अगर दो इवेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब साथ में नहीं हो सकता है, और एग्जॉस्टिव मतलब कि दो ही इवेंट है और इवेंट पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में क्या होगा? देखिए कॉमन तो कुछ होगा नहीं, पर टोटल कितना आएगा? वन आएगा। जैसे हेड टू टेल, अगर एक कॉइन टॉस करेंगे तो हेड और टेल आएगा, अगर दोनों ऐड करेंगे तो टोटल प्रॉपर्टी कितना आएगा? वन आएगा। किंग और क्वीन इसमें इसमें वन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें और भी कार्ड हो सकता है। अगर आप कार्ड ड्रॉ करते हैं, एक कार्ड ड्रॉ करते हैं, तो किंग क्वीन ए जे टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, बहुत सारा पॉइंट पॉसिबल है इसमें। लेकिन इसमें क्या है, हेड और टेल में दो ही पॉइंट है, अगर दोनों ऐड करेंगे तो वन आएगा। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, साथ में क्या है, एग्जॉस्टिव भी है। तो एग्जॉस्टिव मतलब समझे क्या हुआ? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट, ठीक है? इवेंट मतलब क्या होता है? आउटकम, रिजल्ट्स। इवेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? आउटकम या रिजल्ट। तो अगर दो इवेंट है, दो ही पॉसिबल इवेंट है, सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा टोटल? वन आएगा, ठीक है? इसके बाद देखिए नेक्स्ट केस थ्री, if a and b be two
क्या देखिए इफ ए एन बी बी टू नॉन म्यूचुअली पता क्या होता है बताइए, विच इवेंट में अगर जैसे एग्जांपल इसका बताइए, स्पीड और किंग, ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा बताइए फिर, एस के एस इंटरसेक्शन के, ठीक है, मतलब ए यूनियन बी कितना हो गया बताइए, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन, इस तरह से करना है, समझ गए। अगर ए और बी दो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब जो इवेंट साथ में हो सकता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, समझ गए, डाउट यहाँ तक बोलिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रॉबिलिटी, ये किसमें होता है सिर्फ, कंपाउंड किसमें होता है सिर्फ, नॉन म्यूचुअली में, कंपाउंड मतलब कंबाइन, तो कंबाइन किसमें होता है सिर्फ, नॉन म्यूचुअली में, ठीक है, मतलब नॉन म्यूचुअली में, इसमें म्यूचुअली में नहीं होगा कंपाउंड, तो इसमें देखिए कैसे, if a and b are two independent event, अगर a और b दो independent event है, independent का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे पर depend नहीं कर रहा है, जैसे मान लीजिए a को एक question solve करने दिए, उसका probability 1/3 है, b को solve करने दिए, उसका 1/4 है, ठीक है, तो दोनों independent है, तो दोनों मिला के अगर करेंगे solve तो कितना आएगा, then P A into P B, अगर A और B तो mutually exclusive event है, non mutually exclusive मतलब कि ये साथ में अगर हो सकता है, तो इस केस में क्या होगा, intersection अगर निकालना है, independent event मतलब क्या होगा, एक दोनों एक दूसरे पर depend नहीं कर रहा है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, A को solve करने दे रहे हैं उसका 1/3 है, B को सॉल्व करने से 1/4 है, तो दोनों सॉल्व करेगा इसका क्या प्रॉबिलिटी है, तो 1/3 × 1/4 मतलब 1/12, समझ गए, अगर A और B दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो डाउट यहां तक। इसके बाद देखिए अगर मान लीजिए इफ A इज इंडिपेंडेंट and
केस बी देखिए, अगर ए इंडिपेंडेंट है और बी डिपेंडेंट है तब क्या होगा, देखिए प्रॉबर्टी ऑफ ए इंटू प्रॉबर्टी ऑफ बी ऑन द कंडीशन दैट ए हैज ऑकर्ड, मतलब ये क्या हो गया बताइए, प्रॉबर्टी ऑफ ए और ये क्या हो गया बताइए, कंडीशन प्रॉबर्टी ऑफ बी, ये क्या हो गया बताइए, कंडीशनल प्रॉबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, ए इंडिपेंडेंट है तो ए पहले आएगा और बी डिपेंडेंट है पहले ए आएगा यहाँ पे और इसमें प्रॉबर्टी ऑफ बी आएगा ऑन द कंडीशन दैट, इसको रीड कैसे करते हैं हम लोग, प्रॉबर्टी ऑफ ए इंटू प्रॉबर्टी ऑफ बी ऑन द कंडीशन दैट ए हैज ऑकर्ड, ठीक है, अगर बी इंडिपेंडेंट होगा तब क्या होगा, देखिए अगर बी इंडिपेंडेंट है और ए डिपेंडेंट है तब कितना हो जाएगा, पी बी इंटू पी ए बाई बी, मतलब प्रॉबर्टी ऑफ बी, बी इंडिपेंडेंट है बी पहले आएगा और यहाँ क्या होगा प्रॉबर्टी ऑफ ए ऑन द कंडीशन दैट बी इज ऑकर्ड, ठीक है, बोलिए डाउट इसमें, इसके बाद देखिए अगर पी ए थ्री बाई फाइव है, प्रॉबर्टी ऑफ ए थ्री बाई फाइव है, थ्री फेवरेबल है, फाइव क्या है टोटल है, तो अनफेवरेबल कितना हो गया, टोटल माइनस फेवरेबल, फाइव माइनस थ्री कितना हो गया अनफेवरेबल, टू हो गया, ठीक है, ऑड्स इन फेवर कितना हो गया थ्री इज टू टू, ठीक है, और ऑड अगेंस्ट कितना होगा, देखिए ऑड अगेंस्ट, तो ऑड्स इन फेवर में फेवरेबल पहले आएगा अनफेवरेबल बाद में आएगा, ऑड्स इन फेवर में पहले क्या आएगा फेवरेबल, उसके बाद क्या आएगा अनफेवरेबल, ठीक है, उसके बाद ऑड अगेंस्ट निकालिए, नीचे किए थे और अगेंस्ट कितना है, देखिए अनफेवरेबल इज टू फेवरेबल थ्री टू टू, ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ तक आप लोग रिवाइज करके आइएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्राइडे को सेम टाइम।